यूहन्ना की इंजील और उसका 19वां बाब जो 42 आयात पर मुश्तमिल है। इस पर पिलातुस ने यीशु को लेकर कोड़े लगवाए और सिपाहियों ने कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा और उसे अर्गवानी पोशाक पहनाई और उसके पास आकर कहने लगे, ए यहूदियों के बादशाह, आदाब। और उसके तमांचे भी मारे। पिलातुस ने फिर बाहर जाकर लोगों से कहा कि देखो, मैं उसे तुम्हारे पास बाहर ले आता हूं ताकि तुम जानो कि मैं उसका कुछ जुर्म नहीं पाता। यीशु कांटों का ताज रखे और अर्गवानी पोशाक पहने बाहर आया और पिलातुस ने उनसे कहा, देखो ये आदमी। जब सरदार काहिन और पयादों ने उसे देखा तो चिल्लाकर कहा, मसलूब कर, मसलूब। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम ही इसे ले जाओ और मसलूब करो, क्योंकि मैं इसका कुछ जुर्म नहीं पाता। यहूदियों ने उसे जवाब दिया कि हम अहले शरीयत हैं और शरीयत के माफिक वो कत्ल के लायक है, क्योंकि उसने अपने आप को खुदा का बेटा बनाया। जब पिलातुस ने ये बात सुनी तो और भी डरा और फिर कले में जाकर यीशु से कहा, तू कहां का है? मगर यीशु ने उसे जवाब न दिया। बस पिलातुस ने उससे कहा, तू मुझसे बोलता नहीं, क्या तू नहीं जानता कि मुझे तुझको छोड़ देने का भी इख्तियार है और मसलूब करने का भी इख्तियार है? यीशु ने उसे जवाब दिया कि अगर तुझे ऊपर से ना दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ इख्तियार ना होता। इस सबब से जिसने मुझे तेरे हवाला किया उसका गुनाह ज्यादा है। इस पर पिलातुस उसे छोड़ देने में कोशिश करने लगा, मगर यहूदियों ने चिल्लाकर कहा, अगर तू इसको छोड़े देता है तो कैसर का खैर खा नहीं। जो कोई अपने आप को बादशाह बनाता है वो कैसर का मुखालिफ है। पिलातुस ये बातें सुनकर यीशु को बाहर लाया और उस जगह जो चबूतरा और इब्रानी में गब्बा कहलाती है, तख्ते अदालत पर बैठा। ये फसा की तैयारी का दिन और छठे घंटे के करीब था। फिर उसने यहूदियों से कहा, देखो ये है तुम्हारा बादशाह। बस वो चिल्लाए कि ले जा, ले जा, उसे मसलूब कर। पिलातुस ने उनसे कहा, क्या मैं तुम्हारे बादशाह को मसलूब करूं? सरदार काहिनों ने जवाब दिया कि कैसर के सिवा हमारा कोई बादशाह नहीं। इस पर उसने उसको उनके हवाले किया कि मसलूब किया जाए। बस वो यीशु को ले गए और वो अपनी सलीब आप उठाए हुए उस जगह तक बाहर गया जो खोपड़ी की जगह कहलाती है, जिसका तर्जमा इब्रानी में गुलगुता है। वहां उन्होंने उसको और उसके साथ और दो शख्सों को मसलूब किया, एक को इधर एक को उधर और यीशु को बीच में। और पिलातुस ने एक किताबा लिख कर सलीब पर लगा दिया। उसमें लिखा था, यीशु नासरी, यहूदियों का बादशाह। उस किताबा को बहुत से यहूदियों ने पढ़ा, इसलिए कि वो मकाम जहां यीशु मसलूब हुआ शहर के नजदीक था और वो इब्रानी, लेतीनी और यूनानी में लिखा हुआ था। बस यहूदियों के सरदार काहिनों ने पिलातुस से कहा कि यहूदियों का बादशाह ना लिख, बल्कि ये कि उसने कहा, मैं यहूदियों का बादशाह हूं। पिलातुस ने जवाब दिया कि मैंने जो लिख दिया वो लिख दिया। जब सिपाही यीशु को मसलूब कर चुके तो उसके कपड़े लेकर चार हिस्से किए, हर सिपाही के लिए एक हिस्सा, और उसका कुर्ता भी लिया। ये कुर्ता बिन सिला सरासर बुना हुआ था, इसलिए उन्होंने आपस में कहा कि इसे फाड़े नहीं बल्कि इस पर कुरा डालें, ताकि मालूम हो कि किसका निकलता है। ये इसलिए हुआ कि वो नविश्ता पूरा हो जो कहता है कि उन्होंने मेरे कपड़े बांट लिए और मेरी पोशाक पर कुरा डाला। चुनाचे सिपाहियों ने ऐसा ही किया और यीशु की सलीब के पास उसकी मां और उसकी मां की बहन मरियम किलोपास की बीवी और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। यीशु ने अपनी मां और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देख कर मां से कहा, ऐ औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी मां ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा कि मैं प्यासा हूं। वहां सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, बस उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे की शाख पर रखकर उसके मुंह से लगाया। बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ और सर झुकाकर जान दे दी। बस चूंकि तैयारी का दिन था, यहूदियों ने पिलातुस से दरखास्त की कि उनकी टांगे तोड़ दी जाएं और लाशें उतार ली जाएं, ताकि सबत के दिन सलीब पर न रहें, क्योंकि वो सबत एक खास दिन था।
पस सिपाहियों ने आकर पहले और दूसरे शख्स की टांगें तोड़ी जो उसके साथ मसलूब हुए थे। लेकिन जब उन्होंने यीशु के पास आकर देखा कि वो मर चुका है तो उसकी टांगें ना तोड़ी, मगर उनमें से एक सिपाही ने भाले से उसकी पसली छेदी और फिलफौर उससे खून और पानी बह निकला। जिसने ये देखा है उसी ने गवाही दी है और उसकी गवाही सच्ची है, और वो जानता है कि सच कहता है, ताकि तुम भी ईमान लाओ। ये बातें इसलिए हुई कि ये नविश्ता पूरा हो कि उसकी कोई हड्डी ना तोड़ी जाएगी। फिर एक और नविश्ता कहता है कि जिसे उन्होंने छेदा उस पर नजर करेंगे। इन बातों के बाद इर्मितिया के रहने वाले यूसुफ ने, जो यीशु का शागिर्द था, लेकिन यहूदियों के डर से खुफिया तौर पर पिलातुस से इजाजत चाही कि यीशु की लाश ले जाए। पिलातुस ने इजाजत दी, बस वो आकर उसकी लाश ले गया। और निकोदीमस भी आया, जो पहले यीशु के पास रात को गया था, और 50 सेर के करीब मुर और ऊद मिला हुआ लाया। बस उन्होंने यीशु की लाश लेकर उसे सूती कपड़े में खुशबूदार चीजों के साथ कफनाया, और जिस तरह के यहूदियों में दफन करने का दस्तूर है, और जिस जगह वो मसलूब हुआ वहां एक बाग था, और उस बाग में एक नई कब्र थी जिसमें कभी कोई ना रखा गया था। बस उन्होंने यहूदियों की तैयारी के दिन के 22 यीशु को वहीं रख दिया, क्योंकि ये कब्र नजदीक थी।